ऊंची ऊंची इमारतों और घनी आबादी वाले हांगकांग शहर के बीचों बीच बना हुआ काई ताक एयरपोर्ट अपने आप में किसी अचंभे से कम नहीं था। हालांकि आज इस एयरपोर्ट को बंद हुए 25 साल से भी ज्यादा का समय हो चुका है, लेकिन आज भी इस एयरपोर्ट के बारे में बात करते हुए हांगकांग शहर के लोगों और एयरपोर्ट पर लैंड करने वाले पायलट्स के दिल में एक सिहरन सी दौड़ जाती है। इस एयरपोर्ट पर लैंड करना किसी भी पायलट के फ्लाइंग स्किल्स और साहस की परीक्षा होती थी। घनी आबादी और ऊंची ऊंची इमारतों के बीच से पायलट को मैन्युअली कंट्रोल करते हुए प्लेन को इस एयरपोर्ट पर लैंड कराना होता था, जहां किसी भी गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी। इस एयरपोर्ट पर लैंड करते हुए प्लेन इमारतों के इतने नजदीक से गुजरता था कि प्लेन में बैठे हुए पैसेंजर बिल्डिंग की खिड़की से लोगों के घरों में चलते हुए टेलीविजन तक को देख सकते थे। ऊंची ऊंची इमारतों और चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ ये एयरपोर्ट एक ऐसे आइलैंड पर बना हुआ था जो तीन तरफ समुंदर से घिरा हुआ था। आमतौर पर किसी भी एयरपोर्ट पर लैंड करते हुए प्लेन एक सीधे फ्लाइट रूट को फॉलो करते हुए प्लेन को धीरे धीरे नीचे लाते हुए रनवे पर लैंड करते हैं, लेकिन कई ताक एयरपोर्ट की नॉर्थ डायरेक्शन में स्थित लायन रॉक नाम की पहाड़ी और ऊंची ऊंची इमारतों के कारण प्लेन सीधा नीचे आकर रनवे पर लैंड नहीं कर सकते थे। इसलिए समुंदर के ऊपर से प्लेन को हांगकांग शहर की लेफ्ट डायरेक्शन से नीचे आते हुए एक शार्प राइट टर्न लेना होता था। राइट टर्न लेने के बाद पायलट को ठीक सामने वाली पहाड़ी पर बने हुए एक चेकबोर्ड मार्कर को फॉलो करते हुए इमारतों के बीच से प्लेन को बहुत ही सावधानी से नीचे लाना होता था। इस दौरान नीचे आते हुए प्लेन इमारतों के बेहद नजदीक से गुजरता था और पायलट की जरा सी लापरवाही एक बड़े हादसे में तब्दील हो सकती थी। घनी आबादी वाली इमारतों के बीच से ग्लाइड पाथ को फॉलो करता हुआ प्लेन जैसे ही उस चेकरबोर्ड पॉइंट के नजदीक पहुंचता था तो पायलट को 47 डिग्री के एंगल पर एक शार्प राइट टर्न लेकर प्लेन को कई ताक एयरपोर्ट के रनवे से अलाइन करवाना होता था। लैंडिंग के महज कुछ सेकंड पहले ऐसा शार्प टर्न लेना पैसेंजर के साथ साथ किसी भी अनुभवी पायलट के दिल की धड़कन को बढ़ा देता था। ये राइट टर्न लेते ही अगले कुछ सेकंड में पायलट प्लेन को एयरपोर्ट के रनवे से अलाइन कर सही पॉइंट पर लैंड करते थे। इस दौरान किसी भी गलती या लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं थी, क्योंकि रनवे की तीनों तरफ गहरा समुंदर था और अगर किसी कारण से भी पायलट प्लेन को रनवे से खत्म होने से पहले रोक नहीं पाते तो प्लेन सीधा समुंदर में जाकर गिर सकता था। चार नवंबर 1993 सुबह के लगभग 7 बजे चाइना एयरलाइन 605 तेपई से उड़कर हांगकांग कई ताक एयरपोर्ट पर लैंड करने के लिए आ रही थी। B-165 नंबर से रजिस्टर्ड बोइंग 747-400 का ये नया प्लेन 5 महीने पहले ही चाइना एयरलाइन को दिया गया था और दुर्घटना वाले दिन इस प्लेन ने महज 1969 घंटों की उड़ान भरी थी। इस विशालकाय और आधुनिक प्लेन में प्रैट एंड विटनी कंपनी के 4 PW4056 टर्बोफैन इंजन्स लगे हुए थे। प्लेन का नेतृत्व कर रहे 47 वर्षीय कप्तान, जिनका नाम कुछ कारणों से उजागर नहीं किया गया, चाइना एयरलाइन ज्वाइन करने से पहले रिपब्लिक ऑफ चाइना एयरफोर्स में फाइटर पायलट रह चुके थे। कप्तान के पास कुल मिलाकर 12,469 घंटों का फ्लाइंग अनुभव था, जिसमें 3,559 घंटों का अनुभव इसी तरह के बोइंग 747 प्लेन को उड़ाने का था। कप्तान की तरह 37 वर्षीय फर्स्ट ऑफिसर भी पहले रिपब्लिक ऑफ चाइना एयरफोर्स में फाइटर पायलट थे और उनके पास भी 5,705 घंटों का फ्लाइंग एक्सपीरियंस था। अपनी फाइनल लैंडिंग अप्रोच में चेकरबोर्ड मार्कर को फॉलो करते हुए फ्लाइट 605 जब नीचे आ रही थी तो अचानक से मौसम खराब हो गया, जिसके कारण विजिबिलिटी घटकर 5 किलोमीटर की हो गई थी। मुझसे काफी लोग पूछते हैं कि अपने वीडियो बनाने के लिए मैं किस तरह के माइक्रोफोन या कैमरे का इस्तेमाल करता हूँ। वॉइस रिकॉर्डिंग करने के लिए मैं बिग पासपोर्ट का USB माइक्रोफोन यूज करता हूँ, जो हमारे आज के वीडियो के स्पॉन्सर भी हैं। इसके अलावा अपनी टीम से ऑनलाइन बात करने के लिए भी मैं बिग पासपोर्ट के USB हेडफोन्स और वेबकैम का इस्तेमाल करता हूँ। तो अगर आप भी प्रोफेशनल वीडियो बनाना चाहते हैं या ऑनलाइन मीटिंग्स करना चाहते हैं तो बिग पासपोर्ट के प्रोडक्ट सभी मेजर ई-कॉमर्स स्टोर जैसे Amazon, Flipkart और Snapdeal पर बहुत ही किफ़ायती प्राइस पर आसानी से उपलब्ध हैं।
सभी प्रोडक्ट के लिंक और स्पेशल कूपन कोड नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिए गए हैं, जिसका इस्तेमाल करके आप एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी पा सकते हैं। तो आइए इसी के साथ वापस आते हैं अपनी केस स्टडी पर। खराब मौसम में इस फ्लाइट के आगे चल रहे एक एमसी डोनल्ड डगलस प्लेन ने कुछ ही मिनट पहले एयरपोर्ट पर सकुशल लैंड किया था, जिसे देखते हुए फ्लाइट 605 के पायलट को लग रहा था कि वो भी बिना किसी परेशानी के लैंड कर जाएंगे। लेकिन जैसे जैसे प्लेन नीचे आता जा रहा था, मौसम और भी तेजी से खराब होता जा रहा था। एटीसी टावर ने पायलट को मौसम की फाइनल जानकारी देते हुए बताया कि एयरपोर्ट के आसपास 25 नॉट से भी ज्यादा तेज हवाएं चल रही हैं। मौसम की जानकारी को ध्यान में रखते हुए पायलट अब लैंडिंग चेकलिस्ट के अनुसार सभी कंट्रोल सेटिंग्स और एयर स्पीड वगैरह को कॉन्फिगर करने लगते हैं। फ्लैप पोजीशन को 30 डिग्री पर सेट किया जाता है और लैंडिंग एयर स्पीड भी 140 नॉट सेट की जाती है। इसी के साथ साथ स्पीड ब्रेक को आम पोजीशन पर सेट किया जाता है ताकि रनवे पर लैंड करते ही ब्रेक ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएं। चेकरबोर्ड मार्कर को फॉलो करते हुए फ्लाइट 605 जब लगभग 1000 फीट पर पहुंचती है तो तेज हवाओं और बारिश के कारण फ्लाइट की एयर स्पीड को कंट्रोल करने में काफी परेशानी आने लगती है, जिसे देखते हुए कप्तान ऑटो पायलट मोड को डिसएंगेज करके प्लेन को मैन्युअली कंट्रोल करने का डिसीजन लेते हैं। एयरपोर्ट की डिफिकल्ट लैंडिंग अप्रोच और खराब मौसम के कारण हो रही परेशानी में कप्तान को प्लेन की एयर स्पीड और ऑल्टीट्यूड वगैरह को मॉनिटर करने और समझने में काफी परेशानी हो रही थी। बोइंग 747 के इस आधुनिक कॉकपिट में एटीट्यूड, एयर स्पीड और ऑल्टीट्यूड एक ही स्क्रीन पर डिस्प्ले होते थे, और चूंकि तेज हवाओं के कारण एयर स्पीड बार बार चेंज हो रही थी, शायद इसी कारण से कप्तान को डिस्प्ले रीडिंग को सही तरह से समझने में परेशानी आ रही थी। लेकिन फर्स्ट ऑफिसर की हेल्प से कप्तान सही तरीके से एयर स्पीड को मैनेज कर रहे थे। चेकरबोर्ड मार्कर के नजदीक पहुंचकर फ्लाइट जैसे ही रनवे के लिए शार्प राइट टर्न लेती है तो तभी कॉकपिट में विंडशील्ड अलर्ट वार्निंग अलार्म बजने लगता है। इसी के साथ साथ ग्राउंड प्रॉक्सिमिटी वार्निंग और ग्लाइड स्लोप डिसअलाइनमेंट वार्निंग अलार्म भी अचानक बजने लगता है। इस तरह की IGS लैंडिंग अप्रोच में जब प्लेन जमीन के इतना नजदीक होता है तो इस तरह की वार्निंग का आना कोई खास परेशानी नहीं होती। कप्तान प्लेन को रनवे से अलाइन करने की कोशिश करने लगते हैं। सामने से आ रही तेज हवाओं के कारण रनवे को सेंटर लाइन में अलाइन करना काफी मुश्किल हो रहा था। तेजी से हिलता हुआ प्लेन रनवे 13 के लैंडिंग पॉइंट थ्रेशोल्ड से लगभग 480 मीटर आगे जाकर रनवे को टच करता है। स्पीड ब्रेक की ऑटो सेटिंग के मुताबिक रनवे को टच करते ही ब्रेक ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाते हैं। लेकिन रनवे को टच करने के 2-3 सेकंड बाद ही जब कप्तान को थ्रॉटल लीवर को रिवर्स मोड में खींचना चाहिए, गलती से वो उसे फॉरवर्ड पोजीशन में खींच देते हैं, जिसके कारण स्पीड ब्रेक डिसएंगेज हो जाते हैं। स्पीड ब्रेक, ऑटो ब्रेक और रिवर्स थ्रॉटल के कारण ही आमतौर पर पायलट प्लेन को आसानी से रनवे पर रोक पाते हैं। अब चूंकि गलत थ्रॉटल के कारण प्लेन के ऑटो ब्रेक हट चुके थे, तेजी से रनवे पर दौड़ता हुआ प्लेन सेंटर लाइन से हटकर थोड़ा राइट डायरेक्शन में मुड़ने लगता है। कप्तान तेजी से प्लेन को सेंटर लाइन में लाने की कोशिश करता है, तभी अचानक कोपायलट की नजर ऑटो ब्रेक पर जाती है और वो तुरंत कप्तान को मैनुअल ब्रेक लगाने के लिए कहते हैं। बिना कोई वक्त गवाए दोनों पायलट फुट ब्रेक पैडल को दबाते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और कप्तान को एहसास हो चुका था कि अब प्लेन को रनवे खत्म होने से पहले रोक पाना नामुमकिन है, जिसे देखते हुए वो जानबूझकर प्लेन को लेफ्ट साइड में मोड़ देते हैं ताकि प्लेन को समुंदर में गिरने से बचाया जा सके। रनवे की बाउंड्री को तोड़ती हुई फ्लाइट 605 समुंदर में जा गिरती है।
खराब मौसम के कारण एयरपोर्ट की इमरजेंसी सर्विसेज, जिन्हें पहले से ही स्टैंडबाय मोड पर रखा गया था, वो तुरंत ही फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस को क्रैश साइट पर भेज देती हैं। फ्लाइट क्रू तुरंत ही इवैक्यूएशन प्रोसेस को शुरू कर देते हैं। इस दुर्घटना में 10 लोगों को सामान्य चोट आती है। हालांकि हादसा इतना बड़ा था कि इस नए प्लेन को टोटल लॉस डिक्लेयर कर दिया गया था, तब भी इसे चमत्कार ही कहेंगे कि ऐसी दुर्घटना में भी किसी भी पैसेंजर या क्रू मेंबर की जान नहीं गई। प्लेन को पानी से बाहर निकालकर एयरपोर्ट के किनारे पर खड़ा कर दिया गया। प्लेन इतनी बुरी तरह से डैमेज हो चुका था कि उसे रिपेयर करने के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता था। जांच के अनुसार जब प्लेन की एयर स्पीड कंट्रोल नहीं हो पा रही थी और कॉकपिट में इतने सारे वार्निंग अलार्म्स बज रहे थे, तो कप्तान को फाइनल मोमेंट में लैंडिंग कैंसिल करके गो अराउंड करना चाहिए था। कप्तान को इसलिए भी हादसे का दोषी माना गया क्योंकि वो फर्स्ट ऑफिसर को भी अपनी लैंडिंग अप्रोच के बारे में सही तरीके से नहीं समझा पाए। फ्लाइट 605 की लैंडिंग से कुछ मिनट पहले एक ब्रिटिश एयरवेज की फ्लाइट ने भी खराब मौसम को देखते हुए अपनी लैंडिंग कैंसिल कर दी थी। इसलिए जांचकर्ताओं ने माना कि फ्लाइट 605 के कप्तान को भी अपनी लैंडिंग कैंसिल करनी चाहिए थी। कप्तान के साथ साथ फर्स्ट ऑफिसर को भी कॉकपिट में आ रहे वार्निंग अलार्म्स पर सही तरीके से एक्शन ना लेने के लिए कहीं ना कहीं दोषी माना गया। इसी के साथ रिवर्स थ्रस्ट लीवर को देरी से अप्लाई करने के कारण प्लेन को रनवे खत्म होने से पहले नहीं रोक पाया गया और प्लेन एयरपोर्ट की बाउंड्री को तोड़ता हुआ समुंदर में जा गिरा। चाइना एयरलाइन की भी इस मामले में काफी निंदा की गई कि अपनी पायलट ट्रेनिंग और यूजर मैनुअल में भी उन्होंने इस तरह की क्रॉसविंड लैंडिंग के बारे में कोई भी सही जानकारी नहीं दी थी। घनी आबादी, ऊंची ऊंची इमारतों और पहाड़ों से घिरे होने के कारण कई ताक एयरपोर्ट पर लैंडिंग अपने आप में एक जोखिम भरा काम था और इस हादसे में 5 साल बाद 1998 में आखिरकार इस एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया और वहां से लगभग 29 किलोमीटर दूर एक नए हांगकांग इंटरनेशनल एयरपोर्ट को शुरू किया गया। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारा हौसला बढ़ाएं। आपके सहयोग के लिए हम सदैव आपके आभारी हैं। धन्यवाद।